शिव समार है मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज दिनांक 30 नवंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेके आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 30 नवंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो दोस्तों, वी फर्स्ट करंट अफेयर ऑफ 30 नवंबर 2021। तो दोस्तों, हाल ही में फिलिस्तीनी लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस 29 नवंबर को मनाया गया दोस्तों। तो दोस्तों, हाल ही में फिलिस्तीनी लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस 29 नवंबर को मनाया गया। तो दोस्तों, इस दिवस को यूनाइटेड नेशन मनाता है और दोस्तों, जनता को फिलिस्तीन के सवाल पर शिक्षित करना और इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष के शांतिपूर्वक समाधान का समर्थन करने के लिए हर साल 29 नवंबर को फिलिस्तीनी लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, इसराइल और पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। अभी इस इसराइल और पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में उस समय दोस्तों, इसराइल का डिफेंस सिस्टम यानी कि आयरन डोम भी काफ़ी चर्चा का विषय रहा था। एक्चुअली फिलिस्तीन ने जितने भी मिसाइल दागी थी वह सब आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने समाप्त कर दी थी दोस्तों। तो दोस्तों, हाल ही में फिलिस्तीनी लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस 29 नवंबर 2021 को मनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में ओडिशा राज्य की आदिवासी महिला मतिंदा कुल्लू जी को फोर्ब्स की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल किया गया दोस्तों। तो दोस्तों, 45 वर्षीय मतिंदा कुल्लू जी को फोर्ब्स की सेल्फ मेड वुमन पावर लिस्ट में इनका नाम शामिल किया गया। तो दोस्तों, फोर्ब्स इंडिया ने जारी की गई लिस्ट में उन महिलाओं के नाम है जिन्होंने अपने दम पर दुनिया में झंडे गाड़े हैं दोस्तों। और दोस्तों, ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में बारागांव तहसील में रहती है दोस्तों मतिंदा कुल्लू जी। तो दोस्तों, इनको मतिंदा कुल्लू जी पिछले 15 साल से आशा कार्यकर्ता के रूप में दोस्तों नियुक्त थी। और दोस्तों, 15 साल पहले आशा कार्यकर्ता नामक नियुक्त हो गई थी दोस्तों मतिंदा कुल्लू जी। उसके बाद वह अब तक लोगों के प्रति जागरूकता एवं जानकारी पहुंचने का काम करती है दोस्तों। और दोस्तों, मतिंदा जी के प्रयासों से अब बारागांव तहसील के लोग अब दोस्तों बीमारियों के इलाज के लिए हॉस्पिटल जाने लगे। दरअसल पहले लोग दोस्तों अंधविश्वास के शिकार हो गए थे यहाँ के दोस्तों, उड़ीसा राज्य के। तो दोस्तों, लोग काले जादू के चुंगल से भी अभी मुक्त हो गए दोस्तों मतिंदा जी की प्रयागों से। और दोस्तों, कोविड महामारी के दौरान भी मतिंदा जी रोजाना 50 से 60 घरों में जाकर टेस्ट करवाती थी। महज 4500 रुपये महीना कमाने वाली मतिंदा जी को आज फोर्ब्स इंडिया की सेल्फ मेड वुमन की लिस्ट में शामिल कर उनको गौरवान्वित किया है दोस्तों मतिंदा जी को। और दोस्तों, मतिंदा कुल्लू जी के साथ साथ अमेजन प्राइम वीडियो की हेड ऑफ ओरिजिनल अपर्णा पुरोहित, SBI की पूर्व चीफ अरुंधति भट्टाचार्य और दोस्तों पैरा एथलीट अवनी लेखरा और भाविना पटेल बीजी को भी फोर्ब्स इंडिया की सेल्फ मेड वुमन पावर लिस्ट में चुना गया दोस्तों। तो दोस्तों, हाल ही में ओडिशा राज्य की आदिवासी महिला मतिंदा कुल्लू जी को फोर्ब्स की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल किया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में ईरान, तुर्कमेनिस्तान और दोस्तों अजरबैजान देश ने गैस स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों। इस समझौते में ईरान दोस्तों तुर्कमेनिस्तान से गैस खरीदेगा और दोस्तों अजरबैजान को देगा। तो दोस्तों, अजरबैजान को पर डे 5 से 6 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस तुर्कमेनिस्तान देगा दोस्तों। तो दोस्तों, ईरान से तुर्कमेनिस्तान खरीदेगा और अजरबैजान को अस्तरा बॉर्डर पर पहुंचाएगा दोस्तों। तो हाल ही में ईरान, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान ने देश ने गैस स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत, श्रीलंका और मालदीव ने पहली बार कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया दोस्तों। तो दोस्तों, भारतीय नौसेना, मालदीव सुरक्षा बल और श्रीलंका नौसेना के जहाज़ों और विमानों ने मालदीव और श्रीलंका नौसेनाओं के साथ पहली बार कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया है दोस्तों। तो दोस्तों, यह श्रीलंका और मालदीव के साथ हिंद महासागर में समुद्र सुरक्षा बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया था। यह 2 दिवसीय सम्मेलन 27 और 28 नवंबर 2021 को आयोजित किया गया था। और दोस्तों, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव यानी कि CSC यह एक केंद्रित ऑपरेशन था दोस्तों। और दोस्तों, इंडिया और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल भी है, आप सबको पता ही होगा। तो दोस्तों, हाल ही में भारत, श्रीलंका और मालदीव ने पहली बार कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में शिव शंकर जी का निधन हुआ है दोस्तों। यह एक फेमस कोरियोग्राफर थे दोस्तों। और दोस्तों, आपने एक मूवी तो पता ही होगी दोस्तों सबको ही, 2009 में आई थी दोस्तों मगधीरा की, और उसमें एक गाना था दोस्तों धीरा धीरा नामक गाने की कोरियोग्राफी शिव शंकर जी ने की थी दोस्तों। इसी गाने के लिए शिव शंकर जी को 2011 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर का नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है दोस्तों। तो दोस्तों, हाल ही में एक फेमस कोरियोग्राफर शिव शंकर जी का निधन हुआ दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने वैक्सीन को अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना गया। तो दोस्तों, पैनडेमिक को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था दोस्तों बाय मरियम वेबस्टर डिक्शनरी, और 2021 का वैक्सीन को अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना गया। हाल ही में मैंने आपको बताया था कि NFT कॉलिंस डिक्शनरी 2021 ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था। और दोस्तों, वैक्स
वैक्स को ऑक्सफर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना गया था। तो दोस्तों हाल ही में मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने वैक्सीन को अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में चाइना ने अपना नया संचार उपग्रह ज़ोजिंग 1D को लॉन्च किया दोस्तों। तो चाइना सक्सेसफुली सेंट अ न्यू सैटेलाइट इनटू अ स्पेस फ्रॉम द सिचेंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन साउथ वेस्ट चाइना सिचुएन प्रोविंस दोस्तों। तो दोस्तों ज़ोजिंग 1D वॉज लॉन्च्ड एट 4 AM बीजिंग टाइम के अनुसार बाय अ लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट। दिस लॉन्च मार्क्ड द 399th मिशन फॉर द लॉन्ग मार्च सीरीज कैरियर रॉकेट्स दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में चाइना ने अपना नया संचार उपग्रह ज़ोजिंग 1D को लॉन्च किया है दोस्तों। तो दोस्तों चाइना की राजधानी है बीजिंग, यहाँ की करेंसी है रेनमिनबी और यहाँ के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग जी। तो दोस्तों हाल ही में चाइना ने अपना नया संचार सैटेलाइट उपग्रह ज़ोजिंग 1D को लॉन्च किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 2 दिवसीय स्मार्ट अर्बन फार्मिंग एक्सपो का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया दोस्तों। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने इस 2 दिवसीय स्मार्ट अर्बन फार्मिंग एक्सपो का उद्घाटन दिल्ली में किया। तो दोस्तों दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 2 दिवसीय स्मार्ट अर्बन फार्मिंग एक्सपो का उद्घाटन किया गया। और दोस्तों दिल्ली संवाद एवं विकास आयोग, अर्बन ग्रो, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के साथ मिलकर इस 2 दिवसीय स्मार्ट अर्बन फार्मिंग एक्सपो का उद्घाटन किया गया। इस एक्सपो में इनोवेशन इन अर्बन फार्मिंग, उससे जुड़ी तकनीकी यानी कि बागवानी इंजीनियरिंग, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय पहलुओं से जुड़ी चीज़ें और सेशन शामिल थे। इस एक्सपो का उद्देश्य था तो दोस्तों अर्बन स्मार्ट फार्मिंग के बारे में जानकारी एवं जागरूकता फैलाना। तो दोस्तों हाल ही में 2 दिवसीय स्मार्ट अर्बन फार्मिंग एक्सपो का उद्घाटन दिल्ली में किया गया बाय दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने इसका उद्घाटन किया। तो दोस्तों हाल ही में 2 दिवसीय स्मार्ट अर्बन फार्मिंग एक्सपो का उद्घाटन दिल्ली में किया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में गुजरात राज्य में 14,000 करोड़ रुपये से अधिक के 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। तो दोस्तों अभी गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात समिट होना है, उसी के उपलक्ष्य पर गुजरात राज्य में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के 12 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रस्तावित निवेश से 15,000 नौकरियां पैदा होंगी, ऐसे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी ने कहा है दोस्तों। और दोस्तों भूपेंद्र पटेल जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी ने इस समझौते पर प्रकाश डाला और दोस्तों उन्होंने कहा कि अगले साल 10 से 12 जनवरी 2022 के बीच में होने वाले वाइब्रेंट गुजरात समिट में, जो कि गुजरात में होने जा रहे हैं दोस्तों, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के मुताबिक मित्सू प्राइवेट लिमिटेड दक्षिण गुजरात के व्यापी केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा, इंजीनियरिंग, प्लास्टिक आदि के मिक्स्ड यानी कि मिश्रित इंडस्ट्रियल क्लस्टर के लिए 5,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आया है दोस्तों गुजरात राज्य सरकार के पास। और दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बैटरी रसायनों और अन्य उत्पादों के लिए 2,000 करोड़ के निवेश का भी वादा आया था। और दोस्तों आरती इंडस्ट्रीज ने केमिकल सेक्टर में 1,669 करोड़ के निवेश करने का वादा किया है। और दोस्तों एशियन पेंट्स ने भी 1,114 करोड़ गुजरात में निवेश करने के लिए वादा किया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में गुजरात राज्य में 14,000 करोड़ से रुपए अधिक के 12 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में पेत्र फियाला जी चेक रिपब्लिक यानी कि चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए दोस्तों। तो दोस्तों पेत्र फियाला जी चुने गए चेक रिपब्लिक चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री जी दोस्तों। तो बात अभी चेक रिपब्लिक चेक गणराज्य की है तो दोस्तों इसकी राजधानी है प्राग और यहाँ की करेंसी है दोस्तों चेक कोरोना और यहाँ के प्रधानमंत्री बन गए हैं अभी पेत्र फियाला जी। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने वाहनों पर ग्रीन टैक्सेस लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया है दोस्तों। तो दोस्तों इस टैक्स में मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा को छोड़कर जितने भी बाकी के व्हीकल है उन सब पर आंध्र प्रदेश सरकार अभी ग्रीन टैक्स लगाएगी दोस्तों। तो दोस्तों ग्रीन टैक्स के बारे में आपको बता दूं कि दोस्तों ग्रीन टैक्स, इस टैक्स में मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा को छोड़कर जितने भी व्हीकल है उन सब पर आंध्र प्रदेश सरकार टैक्स लगाएगी। और दोस्तों मैंने हाल ही में आपको पढ़ाया था यानी कि कल ही मैंने आपको पढ़ाया था कि आंध्र प्रदेश सरकार अभी सिनेमाघरों में टिकटों के बारे में भी जागरूक हो गई है। तो दोस्तों उन्होंने अभी गवर्नमेंट साइट से ही होंगी टिकट बुकिंग्स, इससे टैक्स चोरी की दिक्कत से परेशान आंध्र प्रदेश सरकार मुक्त हो जाएंगी। और दोस्तों सिनेमा टिकटों में सबसे बड़ा टैक्स चुराते हैं दोस्तों कंपनियां, उसी के उपलक्ष्य पर आंध्र प्रदेश सरकार ने अभी गवर्नमेंट साइट से ही फिल्मों की टिकटों की बुकिंग होगी ऐसा जाहिर किया था दोस्तों कल। उसी के लिए एक विधेयक भी लाया था दोस्तों, उन्होंने विधेयक पारित किया था। तो दोस्तों हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में हीरो मोटोकॉप के गैर कार्यकारी निदेशक रजनीश कुमार जी बन गए दोस्तों। तो दोस्तों SBI के पूर्व चीफ रजनीश कुमार जी हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प के गैर कार्यकारी निदेशक बन गए हैं दोस्तों। तो बात अभी हीरो मोटोकॉर्प की है। हीरो मोटोकॉर्प की स्थापना हुई थी 1984 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। उसके मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन है दोस्तों? पवन मुंजाल जी दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जापान देश की फिल्म रिंग वाइंडिंग ने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीता है दोस्तों। तो दोस्तों जापानी डायरेक्टर मसाकाजू कानेकुजी की फिल्म रिंग वाइंडिंग, इसने अभी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीता। तो दोस्तों गोवा में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में जापान देश की फिल्म रिंग वाइंडिंग ने
गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीता दोस्तों। तो दोस्तों 52वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में आयोजित था, उसी में जापान देश की फिल्म रिंग वाइंडिंग ने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष हर्षवंती बिष्ट जी बन गई है दोस्तों। तो दोस्तों हर्षवंती बिष्ट जी उत्तराखंड की पर्वतारोही है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष हर्षवंती बिष्ट जी बन गई है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स यानी कि CBIC के नए अध्यक्ष के रूप में विवेक जौहरी बन गए हैं। तो दोस्तों हाल ही में CBIC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के नए अध्यक्ष नए चेयरमैन विवेक जौहरी जी बन गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 30 नवंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों अपन ने आज क्या क्या पढ़े उसकी एक रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में फिलिस्तीनी लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस 29 नवंबर को मनाया गया बाय यूनाइटेड नेशन दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में ओडिशा राज्य की आदिवासी महिला मतिलदा कुल्लू जी को फोर्ब्स की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल किया गया दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में ईरान तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान देश ने गैस स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए। और दोस्तों हाल ही में भारत श्रीलंका और मालदीव ने पहली बार कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया है। और दोस्तों हाल ही में शिवशंकर जी जो कि एक फेमस कोरियोग्राफर थे उनका हाल ही में निधन हुआ। और दोस्तों हाल ही में मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने वैक्सीन को अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना गया। हाल ही में चाइना ने अपना नया संचार उपग्रह सैटेलाइट जोंगजिंग 1D को लॉन्च किया दोस्तों। हाल ही में 2 दिवसीय स्मार्ट अर्बन फार्मिंग एक्सपो का उद्घाटन दिल्ली में किया गया बाय दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी। और हाल ही में गुजरात राज्य में 14,000 करोड़ रुपये से अधिक के 12 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। और दोस्तों हाल ही में पित्र फियाला जी चेक रिपब्लिक चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। और दोस्तों हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प के कार्यकारी निदेशक रजनीश कुमार जी बन गए हैं। और दोस्तों हाल ही में जापान देश की फिल्म रिंग वाइंडिंग ने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता। और दोस्तों हाल ही में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष हर्षवंती बिष्ट जी बन गई है। और दोस्तों हाल ही में CBIC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के नए चेयरमैन अध्यक्ष विवेक जौहरी जी बन गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 30 नवंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर दोस्तों पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस ऑडियो चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। और दोस्तों वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों। जय भोले।